वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSM SSB ने एक नई विज्ञप्ति जारी की है। वो विज्ञप्ति दोस्तों आपकी कनिष्ठ अभियंता कृषि भर्ती 2022 है। इसकी क्या योग्यता रहने वाली है दोस्तों, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकता है, क्या आप डिप्लोमा पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो या डिग्री वाला फॉर्म भर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों आज 3 जून 2022 को जो ये विज्ञप्ति जारी की है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने, इसका एग्ज़ाम कब तक हो जाएंगे, एग्ज़ाम डेट भी साथ में इनकी दे दी है दोस्तों। और टोटल पद है आपके दोस्तों 189, यानी आपके नॉन TSP में 144 और TSP के अंतर्गत आपके 45 जो पद है इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों जो JN की वैकेंसी है 2020 कृषि कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती 2022, तो दोस्तों उसके बाद में आप देख सकते हो आवेदन प्रक्रिया सभी को पता है। आवेदन प्रक्रिया या तो आप स्वयं भर सकते हो या ई मित्र से भर सकते हो। इसमें जो पैसे आपके दोस्तों, फीस आपकी रहने वाली 450 रुपये, OBC नॉन क्रिमिनलियर क्रिमिनलियर की अन्य पिछड़ा वर्ग की इनकी दोस्तों, और समस्त विशेष योग्य जन अनुसूचित SC ST की इसमें 250 रुपये रखी गई है दोस्तों। प्रवेश पत्र आपके बाद में दिए जाएंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हो पदों का वर्गीकरण है। कनिष्ठ अभियंता यानी JN एग्रीकल्चर वैकेंसी 2022 कनिष्ठ अभियंता कृषि रिक्त पदों के लिए जो आरक्षण है दोस्तों, आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र वर्टिकल आरक्षण है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपके जो कुल पद है 144 पद है नॉन TSP में, सामान्य के 38 पद हैं और सामान्य महिला के इसमें 11 है, विधवा के 4 है और प्रतिज्ञा के 1 है। SC के अंतर्गत बात करें तो SC सामान्य 16, अनुसूचित जो जनजाति है इसमें 12, इसकी महिलाओं की संख्या इसमें 4 है दोस्तों। OBC की बात करें तो 21 है और 7 इसमें जो महिलाएं हैं। विधवा की बात करें 2 है इसमें। अति पिछड़ा वर्ग, इसमें दोस्तों आपको अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 5 वैकेंसी इसमें दी गई है। और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 10 सामान्य की है और 3 वैकेंसी महिला की है, 1 विधवा की वैकेंसी है और शहरिया की इनमें अलग है। और दोस्तों क्षतिज आरक्षण, क्षतिज यानी हॉरिजेंटल आरक्षण है दोस्तों, जिस वर्ग का जो, जैसे कि 2 वैकेंसी इसमें दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ी की दे रखी है और भूतपूर्व सैनिकी की 17 दे रखी है। यानी अगर एक्स आर्मी मैन आपके OBC का है तो OBC की सीट लेगा, सीट पर जाएगा वो, और अगर वो MBC का है तो MBC पर जाएगा। इस प्रकार टोटल जो भूतपूर्व सैनिकों की 17 पोस्ट हैं, और BLV की 2 है, HILD 1 इनमें दे रखी है। इसी प्रकार TSP क्षेत्र की जो दोस्तों वर्टिकल टोटल दोस्तों 45 है, TSP जनरल की 7 हैं, सामान्य महिला की 5 हैं और SC की 2 है, ST की 14 वैकेंसी दे रखी है। इसमें क्षतिज आरक्षण इसमें भी दे रखा है, इसमें भूतपूर्व सैनिकों की वैकेंसी नहीं है और भूतपूर्व सैनिकों की वैकेंसी है दोस्तों 5 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है। टोटल दोस्तों कुल मिलाकर 189 वैकेंसी इसमें दे रखी है। अब दोस्तों आप आ जाते हैं इसमें कि जो इनमें आरक्षण दे रखा है दोस्तों आपके भूतपूर्व सैनिकों को 12.5%, क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो दोस्तों 2% आरक्षण इसमें दे हैं, 2% सीटें इसमें खिलाड़ियों के लिए भी दे रखी है। कौन कौन से खिलाड़ी इसमें शामिल हो सकते हैं, दिव्यांगजनों के लिए अलग नियम दे रखे हैं। और दोस्तों क्या योग्यता इस वैकेंसी की रहने वाली है दोस्तों, वेतनमान इनका जो कनिष्ठ अभियंता कृषि है, इनके वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 10 यानी कि आपके जो सेकंड ग्रेड के लेवल की वैकेंसी इसमें ये है। और पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता इसमें देख सकते हो आप दोस्तों, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी, यानी कि आपके पास जो कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक चाहिए एग्रीकल्चर के अंतर्गत, वो भी अभियांत्रिकी के अंतर्गत, और आपको राजस्थानी और हिंदी का ज्ञान इसमें आवश्यक है। और नीचे दे रखा है कि दोस्तों शैक्षिक, समस्त शैक्षिक दस्तावेज जो दोस्तों कि आपके अंतिम तिथि या शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता, सीधी भर्ती उक्त आवेदन करने के लिए पात्र हो किंतु वह उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता की चयन अपेक्षित प्रस्तुत करना होगा। यानी दोस्तों आपका ये दे रखा है कि आप अंतिम जो अगर ईयर में हो आप वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। मुख्य परीक्षा उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से गुजारा जाता है, तो दोस्तों इसमें दोस्तों लिखित परीक्षा से पहले यानी लिखित परीक्षा से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है इसमें आ जाना चाहिए, और साक्षात्कार के माध्यम से तो साक्षात्कार से पहले आपका जो शैक्षणिक योग्यता आप में होनी चाहिए। अन्य योग्यता इसमें चरित्र अच्छा होना चाहिए, राष्ट्रीयता इसमें दे रखी है, आयु इसमें दोस्तों 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की दे रखी है दोस्तों, इसमें भी छूट है 40 वर्ष के बाद में SC ST OBC EWS को। और इसमें दोस्तों आप दे रखा है इसमें दोस्तों आपको
पता होगा कि जो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है दोस्तों, जो लास्ट डेट है फॉर्म की उससे पहले पहले का चाहिए, ये अगर पता नहीं हो तो आपको ये बता देते हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो लास्ट डेट से पहले पहले का चाहिए होता है। पेंशन इसमें दोस्तों पेंशन देय होगी इसमें वर्तमान में जो अभी चेंज हो गई है। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 7 जून से 6 जुलाई तक आप कर सकते हो ऑनलाइन आवेदन। परीक्षा का माह और दिनांक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा का माह और दिनांक पदक संख्या भर्तियों द्वारा 10 सितंबर 2022 को इसके जो एग्ज़ाम है वो करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों की अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो एक तैयारी करने का ग्रुप बन जाए। धन्यवाद।